ये आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये पेड़ को कितना बड़ा पेड़ है, ये देखिए। ये सीआरपीएफ कैंप और सादतपुर का एरिया है, उसके बीच में नाला का जो रोड के साथ में नाला है, ये मेन रोड है, इसके साथ में ये सर्विस लाइन है नाला, और उसके साथ में लगातार यहाँ पेड़ों की कटाई चल रही है। ये देखिए, और ये अच्छा खासा पेड़ है नीम का, देख सकते हैं आप, और उतने ही लोग यहाँ पे तमाशबीन है जो देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा पेड़ अभी कुछ ही सेकंडों में गिर जाएगा। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ जो काटे आ रहे हैं, रोड चौड़ा किया जाएगा। ये देखिए आपके सामने तस्वीर है, ये पीपल का पेड़ है एक, ये पीपल का पेड़ दो, और एक और पीपल का पेड़, ये देखिए तीन। ये सारे कटे हुए पेड़ है और ये पूरा एरिया काटा जा रहा है, सफाई की जा रही है नाले के साथ में, ताकि यहाँ पे रोड चौड़ा किया जा सके। और लोग यहाँ पे घबराए हुए हैं, ये देखिए, ये लोग यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये नाले के साथ में जो रोड है, सर्विस लाइन, ये ढलान है, ये देखिए, ये पेड़ काट दिया जा रहा है, और ये देखिए, ये पेड़ झुक गया, और ये धीमे 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 धीमे, ये देखिए, ये पूरा पेड़ काट के गिरा दिया गया है। ये नीम का पेड़ है, और आपके सामने तस्वीरें हैं यहाँ पे। ये एरिया जो सादतपुर सीआरपीएफ कैंप के बीच का एरिया है, और आगे जो आपको हम दिखाएं, ये एरिया, ये करावल नगर का एरिया है, जो नाले के साथ साथ लगा एरिया है। ये नाले के साथ लगा हुआ एरिया है, जो नाले के उस पार तोड़फोड़ नहीं होगी, मगर नाले के साथ में ये सर्विस लाइन जो है, जो ये इसका फुटपाथ था, इसकी सफाई का ये रैंप था, इसको साफ करने के लिए यहाँ पे जो पेड़ वेड़ है, ये ढलान है, ये पुश्ते के जो साथ में ढलान है, इसको तोड़ा जा रहा है, साफ किया जा रहा है, बराबर करके इसको यहाँ पे भी रोड के अंडर में ले जाएगा। यानी 220 फीट का जो रोड हम कह रहे थे वो बनेगा। हालांकि उधर के लोगों को डर कम है, मगर इधर अब ज्यादा डर बैठ गया है। नाले के इधर ये रोड कब्जे में लिया जा रहा है, अपने अंडर में लिया जा रहा है, और लोग ये देखिए ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। और ये देखिए, ये नीम के पेड़ है जो अभी अभी आपके सामने लाइव कटा है, ये पीपल का वो पेड़ है जो काट दिया गया है, ये देखिए उसके बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ काट के इसकी टहनियां छोटी छोटी कर दी गई हैं, और ये उसी का काम चल रहा है। नीम के पेड़ को भी अभी आपके सामने काटा गया था, और इसको लगे हाथ यहाँ से गाड़ियां हैं, जो ट्रक है उसमें लादा जा रहा है, हटाया जा रहा है, और इसके छोटे छोटे पीस किए जा रहे हैं, देखिए मशीनों से। ये देखिए, यानी ये रोड चौड़ा जो होना है वो यहाँ तक आएगा, सादतपुर करावल नगर से, और ये अवधपुरी एरिया है जहाँ पे अभी हम करंट में खड़े हैं। हम आपको मेंशन भी कर दिए, देखिए ये अवधपुरी एरिया है, यहाँ पे ये रोड को यहाँ तक अपने अंडर में लिया जाएगा, नेशनल हाईवे के अंडर में, जो आगे रैंप बनना है, फुटपाथ बननी है, जो सर्विस लाइन बननी है, और रोड जो बनना है इसके ऊपर, नेशनल हाईवे दिल्ली देहरादून हाईवे, उस पर काम चल रहा है। और आपके सामने है ये पेड़ों की छटाई कटाई यहाँ से, और इसको साफ करने का जो काम है वो भी अब शुरू हो गया है। अब धीमे धीमे इस एरिया में जो भी आसपास के लोकेशन में यहाँ पेड़ पौधे आएंगे, ऐसी जो जगह आएगी, जो भी यहाँ पे बीच में आएगा, उसको हटाया जाएगा, उसको चौड़ा करने के लिए उसको यूज किया जाएगा। और तोड़फोड़ के इस माहौल में लोगों के मन में दहशत भी है, डर भी है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो लोग बैठे हैं सामने, ये लोग हैं जिनके मकान हैं आसपास के, और ये लोग आके देख रहे हैं आखिर हो क्या रहा है, कहीं हमारे कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है इससे। आपके सामने है तस्वीरें, Oh
आया है।